हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे CSM ब्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आपने अभी सुना होगा कि सभी कंपनियों ने, टेलीकॉम कंपनियों ने अपने भाव में चेंज किए हैं, भाव बढ़ा दिया है। तो आज मैं आपको आपसे बात करूँगा एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन कंपेरिजन जियो। आपने देखे होंगे कि जियो के प्लान सस्ते हैं बाकी कंपनियों से। तो आज मैं बात करूंगा जियो के बारे में कि जियो के प्लान अगर हम करवाते हैं तो हमें सस्ता पड़ेगा या महंगा। तो बात करें हम जियो में 299 के बारे में, तो उसमें आपको रोज़ाना 1.5 GB नेट मिलता है, SMS मिलते हैं। तो उसके कंपैरिजन अगर हम दूसरी कंपनियों की बात करें तो वो 249 का है, मतलब 249 का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक महीने वाले प्लान में बाकी कंपनियों के हिसाब से जियो में 50 रुपये का डिफरेंट है। तो अगर आप कॉलिंग जियो में, हम जानते हैं कि बाकी कंपनियाँ सभी प्लान में कॉलिंग फ्री दे रही है अनलिमिटेड, उसके बजाय अगर जियो की बात करें तो जियो में हमें महीने वाले प्लान में 1000 मिनट फ्री रहता है। उसके बाद अगर 1000 मिनट ख़त्म हो गई तो हमें बैलेंस करवाना पड़ता है, और बैलेंस में आपको 6 पैसा प्रति मिनट के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। तो अगर महीने वाले प्लान में हम देखें तो समझ लो कि हमारा 1000 मिनट ख़त्म हो गया। अगर उसके बाद भी हमारा 50 रुपये का रिचार्ज जा रहा है तो उसके हिसाब से तो वह बाकी कंपनियों की कॉलिंग बेहतर है। देखने में जाए तो वहाँ पे हमें 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है दूसरी कंपनियों में, लेकिन उसके साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री मिल जाएगी। और जियो की बात करें तो अगर 1000 मिनट के बाद अगर हमारा 50 रुपये का बैलेंस जा रहा है तो उसके हिसाब से हमें बाकी कंपनियों के कंपेरिजन में बात करें तो वही रेट पड़ेगा। तो बाकी जो महीने के रिचार्ज है, 2 महीने वाले 3 महीने वाले, उसमें भी अगर हम बात करें तो 399 में 2 महीना है, तो जियो में भी सेम वही है, तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जियो में अगर बात करें तो कॉलिंग फ्री नहीं है, हमें अगर 2 महीने वाले में 2000 मिनट मिल रही है और 2 महीने के अंदर अगर 2000 मिनट ख़त्म हो गई तो उसके बाद हमें बैलेंस करवाना पड़ता है, मतलब जियो महंगा पड़ेगा। तो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में अनलिमिटेड कॉल मिल रही है एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन में। तो अगर आप जियो यूज़र्स हैं और कॉलिंग आपकी ज़्यादा है तो शायद अगर आपको जो मिनट मिल रही है उसके बाद भी अगर जो आपको बैलेंस करवाना पड़ता है तो जियो महंगा पड़ रहा है देखने में जाए तो। अगर आपकी कॉलिंग कम है और आप अगर कॉलिंग अगर महीने वाला रिचार्ज करवाए और 1000 रुपये 1000 मिनट मिल रही है और 1000 मिनट आपका महीना चल रहा है तो बराबर है, लेकिन अगर 1000 मिनट के ऊपर चला गया है, आपको अगर 50 रुपये का बैलेंस करवाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से तो बाकी कंपनियां बेहतर है क्योंकि कॉलिंग में वो अनलिमिटेड दे रही है और जियो आपके पास से चार्ज करेगा। अगर 50 रुपये का बैलेंस भी अगर आप जियो में करवाओगे तो वो 50 में फुल टॉक टाइम भी नहीं है, उसके हिसाब से आपको लगभग 39 रुपये जैसा बैलेंस मिलेगा। तो बात यही है कि अगर आप जियो यूजर्स हैं तो अगर बाकी कंपेरिजन में करें कॉलिंग की बात, कॉलिंग आपकी ज़्यादा है तो बाकी कंपनियां अनलिमिटेड कॉल दे रही हैं। तो यही ब्लॉग था आज के लिए। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मुझे ये काफ़ी कस्टमर ने पूछा कि कौन सा सिम चलाए कौन सा ना चलाए, तो मैंने भी यही कहा है कि अगर आपकी कॉलिंग ज़्यादा है और आपका अगर महीने में जो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में बात करें तो अगर उससे ज़्यादा आपका बैलेंस जा रहा है
तो आप दूसरी कंपनियों का अनलिमिटेड पैक यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जियो कमा रहा है, कुछ बुराई नहीं करूँगा, जियो काफ़ी भी बाकी लिए भी काफ़ी लोगों के लिए जियो अच्छा भी रहा है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मुझे जो सच्चाई बतानी थी मैंने बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे ऐसे वीडियो आती रहती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने, टेक केयर।